यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कन्नौज को विकास कार्यों की सौगात देंगे। कन्नौज दौरे पर आ रहे सीएम अखिलेश यादव 11 अरब की लागत की 106 योजनाओं का शिलान्यास और 150 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में सांसद डिंपल यादव और नगर विकास मंत्री आजम खान भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री इंटरनेशनल परफ्यूम म्यूजियम और परफ्यूम पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा सीएम 1 लाख लीटर की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी प्लांट, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए 10,000 की क्षमता वाले कन्नौज क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास करेंगे। तो डिंपल यादव का संसदीय क्षेत्र है ये, और अब सौगात अखिलेश यादव की ओर से दी जा रही है। नित्य मिश्रा हमारे साथ है। नित्य, ये इत्र नगरी कही जाती है, लेकिन इत्र को लेकर यहां से जो कुछ होना चाहिए वो होता नहीं है। ये कहें जो ये योजनाएं हैं, विकास कार्यों की ये सौगात है, ये बदलेगी कन्नौज की तस्वीर को? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सरकार 5 साल रहती है प्रदेश में, 4 साल गुजर जाने के बाद सरकार को याद आए कन्नौज के इत्र उद्योग की, और वो जब आखिरी साल चल रहा है, चुनावी वर्ष है, अब उसको याद आती है कि यहाँ पर इत्र उद्योग के लिए कुछ किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये इसको चुनाव से जुड़कर भी देखा जा सकता है। यहाँ जो जिस तरह से इंटरनेशनल इत्र म्यूजियम एवं पार्क का जो आज शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि यहाँ के इत्र व्यवसाय में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएगा। जो इत्र नहीं दिखता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगेगा, तो एक पहचान तो यहाँ के इत्र को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इस कार्यक्रम को शुरुआत करी गई, अगर ये कार्यक्रम पहले शुरुआत हो गई होती तो शायद ये अब तक स्टार्ट हो गया होता, लेकिन ये कुल मिला के देर हुई है। यहाँ के इत्र व्यवसाय में तो थोड़ी सी खुशी है यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र म्यूजियम खुलेगा और उनके इत्र को बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उनके इत्र को जगह मिलेगी। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।